जी और टीम आयन भी यहाँ पे फायदा उठा सकती है सिचुएशन का, अगर बीटर के प्लेयर्स को ओपन में स्पॉट कर दिया तो उनके ऊपर भी फायर ले सकते हैं, बट उनको भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने भी बहुत ही बेहतरीन दबदबाज बना के रखा है, केओजी के सिर्फ इकलौते एक प्लेयर सूप जिंदा है, बट यहाँ पे मॉर्फ के जेसीज ने यहाँ पे जक्सी को नॉक कर दिया और आईएनडी के 420 ओपी का आता हुआ ग्रेनेड, बट मॉर्फ के फ्रेंड्स ही यहाँ पे 420 ओपी को नॉक कर देंगे और इसी के साथ बीटीआर की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगी। 420 ओपी का फाइनल नेट जाता हुआ यहाँ पे लक्सी की तरफ और इसी के साथ टीम सीक्रेट यहाँ पे टीम आईएनडी की तरफ पुश करते हुए नजर आई थी, बट टीम आईएनडी उससे पहले ही एलिमिनेट हो गई। फॉर श्योर टीम आईएनडी टॉप 5 के अंदर नहीं जा पाए, बट मॉर्फ के प्लेयर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो सुपर वीकेंड की लड़ाई के लिए, बट सामने टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनके लिए बहुत ही बड़ी दीवार बनके खड़े हुए। मैट टाई ऊपर से शॉट लेने की कोशिश कर रहे, क्या लॉकडाउन पूरा फिनिश कर पाएंगे फ्रेंजी और जेक्सी को, बिकॉज जेक्सी इज ऑलरेडी 1 एचपी लेफ्ट साइड पे, वापस स्प्रे करने का एक नॉक ऑलरेडी निकाल लिया, बट जोन वापस से केओजी और ऑरेंज रॉक के ऊपर ही जाता हुआ। अब ये किस्मत कह लो या तो फिर प्रेडिक्शन, दोनों में से कोई भी एक, बट पबजी मोबाइल यहां पे चल जरूर है और सारे प्लेयर्स कश्मकश डाल रहे हैं उस सुपर वीकेंड को खेलने के लिए। क्या ये सारी टीम्स टॉप 16 के लिए आ सकती हैं? ये टॉप 4 टीम, टॉप 5 टीम्स इनफैक्ट हमारे पास बचे, बिकॉज जिक्सी अब फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज अब ग्रेनेड भी आया है आपके पास, ऑलमोस्ट डैमेज भी पड़ रहा है और सामने से मेरे को लगता है बस जिक्सी इस वाली पोजीशन से बाहर निकल पाएंगे। जी हाँ, ये जो मैच चल रहा है फॉर्म में वापस आने की मैच चल रही है, जहां पे टीम सीक्रेट भी बहुत शानदार खेल रही है, 10 किल्स इन्होंने भी निकाल रखा है, ऑरेंज रॉक भी बहुत शानदार खेल रही है, बट फेवर यहाँ पे ऑरेंज रॉक को जरूर करा जाएगा क्योंकि यहाँ पे गेल और उनकी जो पूरी स्क्वाड है सर्कल के अंदर है, बाकी सारी स्क्वाड्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे स्काउट बॉक्स के ब्रेक को नॉक करते हुए, बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे ब्रिज के उस तरफ थे तो यहाँ पे पुश इन करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दो प्लेयर्स अभी बॉक्स के जीवित है, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार सर्कल के अंदर आएंगे। फॉर श्योर किल्स की यहाँ पे यू कैन से स्टीलिंग चल जरूरी है, बट जेक्सी दब देखते हैं किस तरह वाली परफॉर्मेंस दिखाएंगे। एक ही मात्र फर्स्ट एड बचन, वो भी नहीं पॉप इन कर पाएंगे, उनको पता है जोन एंड 1 HP वापस से जोन के अंदर एंट्री लेंगे। यू हाई किसी ने स्पॉट नहीं करा, आई शॉट्स मैट टॉय सारे थे उधर, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट आखिर में उन्हें पिक ऑफ करेंगे, इसके चलते मॉफ का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। टॉप 4 टीम्स आर अलाइव, ऑरेंज रॉक टीम सीक्रेट बहुत ही प्यारी पोजिशन में, टीम सीक्रेट के पास ऑलरेडी 10 किल आ चुके हैं, ऑरेंज रॉक दे आर ऑल्सो गोइंग ऑन अ हाई रोल राइट नाउ, इस वाले मैच में देखते जंग देखने को मिल सकते हैं। स्काउट जिसमें ऑलरेडी यहां पे 6 किल्स निकाल चुके हैं, केओजी के सूप काफी मुसीबतें क्रिएट कर सकते हैं ऑरेंज रॉक के लिए, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने यहां पे ठान रखी है चिकन डिनर लेने की और यू हाई के तरफ यहां पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वीरू यहां पे कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ग्रेनेड अगर यू हाई के तरफ जाता है, एक अगर अच्छा नॉक मिलता है, इंस्टेंटली टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स उनके ऊपर पुश कर देंगे। बिल्कुल, एक चीज जरूर हम लोगों को पता है, थ्रोएबल्स का यूटिलाइजेशन होना है। मावी आगे है, वीरू भी ग्रेनेड फेंक रहे हैं, आई शॉट्स 1 HP हो चुके थे, बट अभी मावी वापस से ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज जरूर थोड़ा बहुत पड़ा था, बट पहले यू हाई को अगर ओपनिंग निकाल देते टीम सीक्रेट तो ऑरेंज रॉक विद व्हीकल्स वो लोग पुश कर सकते हैं। मावी के पास एक फ्रेश व्हीकल है, अब ऑरेंज रॉक स्काउट पीछे से ADS बहुत ही ज्यादा प्यारा दे रहा है, बट टॉप 3 टीम्स हमारे पास जिंदा जरूर है, बट इसमें से मात्र एक ही टीम है जो जीतेगी, बट जोन का एडवांटेज किसी भी टीम को नहीं है, थोड़ा थोड़ा सारी टीम को आगे आना है। जी हाँ, और यहाँ पे केओजी के सूप को यहाँ पे सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो बैक स्टैप कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को या फिर हील बैटल के लिए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन बन जाती है। बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स कुछ प्लेयर्स यहाँ पे सर्कल के अंदर है, कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, बट दिक्कत है यहाँ पे टीम सीक्रेट के लिए क्योंकि यहाँ पे जो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स है उनके कंप्लीट सामने से आना पड़ेगा इनको। और आई शॉट्स इस बार एक अच्छा खासा मनूवर लेते हुए राइट हैंड साइड से रोटेट आउट कर चुके हैं और शायद यहाँ पे सूप को भी स्पॉट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर बहुत अच्छा एंगल मिल चुका है, देखना ये रहेगा कि इसका फायदा क्या वो उठा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल फायदा देखते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, बट ऑरेंज रॉक के वीरू जरूर क्राउज्ड है एंड आई शॉट के बाद अभी भी कोई ओपनिंग नहीं मिली, कोई ऐसा एंगल नहीं, बिकॉज गिल ने भी एक स्मोक बहुत ही प्यारा डाल रखा है, जस्टिन के लेफ्ट साइड से कोई फ्लैंक आता है, बट राइट साइड पूरा ऑरेंज रॉक ने पैक्ड रखा बिकॉज जोन के बाहर से कोई भी प्लेयर इतना डैमेज खा के नहीं आएगा, बट लेफ्ट साइड से किसी ने आने की कोशिश भी करी तो वहां पे गिल ने एक स्मोक डाल रखा है जस्टिन केस अगर आप स्पॉट हो जाते, बट 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं।
26 मिनट हो जाएंगे इस वाले मैच को स्टार्ट हुए हुए, अभी तक एक्शन बरकरार आ रहे हैं, बट सूप ने अभी भी उम्मीदें यहाँ पे जारी रखी हुई। देखते किस तरीके से ग्रेनेड वाला पुलअप होता है, बट जरूर सूप 77 डॉज करने की कोशिश करेंगे, अगर कवर के बाहर निकलने की कोशिश करी उन्होंने, ओके थोड़ा सा और आगे रहता तो सूप को डैमेज जरूर पड़ता, बट उनका पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुका है तो वो उनके लिए दिक्कत होने वाली है। और आई शॉट्स का यहाँ पे जो पोजीशनिंग कंप्लीटली 100 पॉइंट्स टू हिमसेल्फ, इतना बेहतरीन अपने आप को यहाँ पे ढाला हुआ है। ऑरेंज रॉक के वीरू को भी स्पॉट आउट कर चुके हैं, उनके पेड़ की तरफ शॉट्स ले रहे, बट मवी उनका पेड़ अभी भी जिंदा है और यहाँ पे पेड़ गाड़ी के पीछे थे, गाड़ी को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा था, बट फिलहाल गेल यहाँ पे नॉकआउट हो चुके, मवी यहाँ पे काफी करीब आएंगे, स्काउट को भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है, गेल यहाँ पे फिनिश जरूर हो जाएंगे, बट वीरू ने यहाँ पे यूहाई के ऊपर एक शानदार नॉक निकाल लिखा है, बट मैट टॉय ने यहाँ पे वीरू को नॉक कर दिया, मवी को यहाँ पे इंस्टेंटली हील अप जरूर करना पड़ेगा। आई शॉट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड से रोटेट कर रहे हैं, बट ये एक अच्छा मौका हो सकता है सूप के पास और उन्होंने इस चीज का फायदा जरूर उठाया और आई शॉट्स को कर दिया है नॉक। क्या आप ये कह सकते हैं सूप ने ऑरेंज रॉक के लिए जो काम था थोड़ा सा आसान कर दिया, बिकॉज मैट टॉय इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सीक्रेट एंड सामने से केओजी के जो सूप 77 ही इज आल्सो प्लेइंग अमेजिंगली वेल, किल्स बटोर रहे हैं, नॉक्स कर रहे हैं, बट सूप ने अपना किल्स होता वो कंफर्म कर, बट एक ग्रेनेड आएगा ऑरेंज रॉक के मावी का, दैट वॉज अ गोल्डन ग्रेनेड फ्रॉम द गोल्डन हैंड, बट सामने मैट टॉय प्रोन्ड है, अपनी पोजिशन बिल्कुल डील नहीं कर रहे। अब सूप ने क्या करा है, बैक पैक सब कुछ फेंक दिया, आखिरी में आपके पास वट मैटर्स इज कि आप अपनी पोजिशन थोड़ी सी बचा के रखो, एंड अगर आपके पास बैक पैक है यू कैन गेट स्पॉटेड वेरी इजीली, बट ऑरेंज रॉक के तीन प्लेयर अभी भी जिंदा है, सिर्फ गिल फिनिश हुए थे जो कि आई शॉट्स ने करा था, बट अभी सूप क्या ग्रेनेड पुल करके वो अपनी पोजीशन, क्योंकि वो ट्रेजेक्टरी दिख जाती है ग्रेनेड की, जी हाँ जरूर दिखती है, बट यहाँ पे केओजी के सूप के पास सर्कल यहाँ पे उनको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो बाकी दोनों टीम्स है टीम सीक्रेट और ऑरेंज रॉक दोनों को इनके अंदर आना पड़ेगा और देखते हैं यहाँ पे सूप किस प्रकार होल्ड कर पाएंगे। अगर साइमल्टेनियसली दोनों टीम्स आई तो उनके बीच में भी भिड़ंत हो सकती है, एक त्रिकोण यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म हो चुका है, टीम सीक्रेट के मैट टॉय यहाँ पे कोशिश कर रहे किसी भी प्रकार सूप को स्पॉट करे, अगर एक अच्छा यहाँ पे पिक निकाल देते तो इनके लिए टीम सीक्रेट के लिए भी एक अच्छा चांस मिल जाएगा, बट ऑरेंज रॉक के मवी यहाँ पे स्प्रेड आउट जरूर थे, बट मवी का यहाँ पे नॉक आता हुआ यूहाई के ऊपर और अभी मैट टॉय फर्स्ट एड लगा रहे, हील बैटल की तरफ बढ़ रहे, बट हील बैटल करने में सक्षम नहीं रहेंगे, ऑरेंज रॉक के पास एक बहुत ही शानदार मौका है यहाँ पे चिकन डिनर देने का और देखता यह रहेगा कि क्या वो ले सकते हैं या नहीं, बट अभी मेरे ख्याल से वीनू ने स्पॉट कर लिया है सूप को एंड ही विल गेट फिनिश्ड इवेंचुअली, because this match is going towards Orange Rock and जिस तरीके से final circle पूरा